हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। असम में आज फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है। 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने असम को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन असम में जीत और हार तय करने में जाति और धर्म से ज्यादा एक और फैक्टर काम करता है, वो है चाय वाला। चाय बागानों के लोग किसके साथ हैं? तिनसुकिया में जहां पहले फेज का चुनाव होने जा रहा है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर असम की जनता का मूड क्या है। के इसी पुल पर सवार होकर बीजेपी दोबारा असम का चुनाव जीतना चाहती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सिर्फ एक पुल नहीं, तरक्की की मिसाल है। असम में बीजेपी के 5 बरस के राज का कमाल है और चुनाव में इस पुल के जरिए वोटों को हासिल करने का भी सवाल है। मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये भारत का सबसे लंबा पुल। जी हाँ, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तिनसुकिया में ये पुल है और इसे कहा जाता है डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल। आसाम की अगर मैं बात करूं और तिनसुकिया की खास तौर से हम बात करें, क्योंकि चुनाव का मौसम आसाम में है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 27 मार्च को होगा और उसमें तिनसुकिया जो है वो एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आज हम तिनसुकिया में ही हैं। तिनसुकिया के चाय बागान में काम करने वाले लोगों से हमने बात की। अब हम डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु से होते हुए जाएंगे सदिया। सदिया जो है वो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो भारत रत्न है उनकी जन्मस्थली भी है। ये साहित्य की बात करें तो डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो योगदान है वो बहुत ही अहम है। तो अभी हम डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु से होते हुए डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो पैतृक गांव है सदिया, वहां पर चलेंगे आपको लेकर। चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इस वक्त हम हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पर। ये भारत का सबसे लंबा सेतु है, 9.15 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और भारत की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक बात करें या डिफेंस की जो अहमियत है उनके लिहाज से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट ये पुल है। करीब 9 किलोमीटर लंबा ये पुल पानी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। अरुणाचल से असम को जोड़ने वाले इस पुल की जरूरत साल 1962 के युद्ध के दौरान महसूस की गई थी। साल 2003 से स्थानीय जनता की तरफ से भी इस पुल की जबरदस्त मांग शुरू हुई। साल 2009 में यानी 6 साल बाद यूपीए की सरकार ने इस पुल के निर्माण का फैसला किया। साल 2011 में इस पुल का निर्माण यूपीए के राज में शुरू हुआ और साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया। यानी जिस पुल की जरूरत महसूस की गई 1962 के युद्ध के दौरान, वो पुल असम की जनता को मिला 55 साल के बाद। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया था और अब असम की चुनावी रैलियों में इसी ब्रिज की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? भाजपा की सरकार ने किया। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं।
जिस पुल से बीजेपी चुनाव जीतने का रास्ता बना रही है, उसी पुल पर सवार होकर हम पहुंचे असम की सादिया विधानसभा क्षेत्र में और वहां पर लोगों से बातचीत की। तिनसुकिया के चाय बागानों के बाद अब हम डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु से होते हुए सदिया पहुंच गए हैं। सदिया एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है तिनसुकिया की और डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब का पैतृक गांव भी है, तो यहां पर आए हैं। यहां पर भी लोगों से बात करेंगे, इश्यूज क्या हैं आसाम में, चाय बागानों की तमाम लोग बात कर रहे हैं, आसाम की अस्मिता की तमाम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आसाम के लोग क्या बात कर रहे हैं, तिनसुकिया के सदिया के लोग क्या बात कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़े सारे लोग हैं, आसाम में हम हैं, तिनसुकिया में हम हैं, पहले चरण में चुनाव तिनसुकिया में होने वाला है। आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम लेखनाथ सबगाई। ये बताइए कि लेखनाथ जी, क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे जी, हम लोग का इधर तो बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, अभी रोड हो गया, अभी कोई जगह जगह गाँव गाँव पे जाने वाला रोड बना दिया है और बहुत तरह की सुविधा दिए हैं, आसनी दिए हैं, ठीक है। अब उसका बाद आपका गांव पे कोई स्कूल विद्यालय कुछ है, उसको भी मरम्मती कर रहा है, वही हम बोलना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा बर्ना बहादुर राय। ये बताइए कि आप यहाँ सदिया के ही रहने वाले? हाँ, सदिया में रहने वाला हूँ। क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सब बात कर रहे हैं, आसाम की अस्मिता की बात कर रहे हैं, CAA की बात कर रहे हैं, चाय बागानों की बात कर रहे हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? अच्छा, इसका बात ऐसे सोचता हूँ कि हम जिस सरकार ने अभी तक हमारा बीजेपी सरकार ने अब तक हम देखा है कि सारे लोग गांव वाला शांति से रह रहे हैं, कोई मुद्दे पर कोई हाई कज्जा झगड़ा के लिए नहीं हुआ है। जो रहते हैं हम लोग यहाँ पर और अच्छी तरह से मजबूरी से हम अच्छा से रहा हूँ। तो क्या होने जा रहा है इस बार आसाम में चुनाव में? असम में चुनाव में क्या होना है वही होगा, अगला क्या सोच रहा है गांव वाले वही होगा। क्या सोच रहे हैं गांव वाले? क्या सोचेगा, मैं तो क्या कुछ नहीं सोचे, दूसरे क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार? सब लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, असम की अस्मिता की बात कर रहे हैं, CAA की बात कर रहे हैं, चाय बागान में काम करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वो चाय बागान वाले लोग का वही लोग अपना बात करेगा, हम लोग खेती वाला अपना बात करेंगे। और डेवलप हो लगे, अलग अलग हो डेवलप, और डेवलप हो लगे, डेवलप और होना चाहिए, होना चाहिए। बीजेपी को असम में बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के वोट में कन्वर्ट होने का पूरा भरोसा है। हर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से असम के लोगों को यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया और मोदी राज में 6 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए। बीजेपी बार बार असम में बनाए गए 20,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क का भी जिक्र कर रही है। भूपेन हजारिका ब्रिज सादिया के लोगों को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पहले चरण में यानी 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने मन में बहुत पहले से ही यह तय कर लिया है कि वोट किसको देना है। पब्लिक ने इशारों इशारों में अपनी बात समझा दी है। आप सादिया के हैं, क्या है चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या बोलेंगे चुनाव के बारे में, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? इस बार कांग्रेस आने से ठीक है, कांग्रेस आ रही है तो ठीक है, क्यों? क्यों, बीजेपी वोट पी रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कर रहा है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए सदिया के ही रहने वाले हैं आप? जी हाँ। तो क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है? चुनाव के मुद्दे यहाँ के तो सब तरफ से ठीक ठाक है, मैंने यहाँ पर बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है विकास उन्होंने किया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। वादे तो सब पूरे किए हैं, छोटे मोटे एरिया हैं, सब वादे पूरे किए हैं। अच्छा, सब वादे पूरे किए हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी। इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं आपके एज अ वोटर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी तो जो होना है तो अच्छा होना चाहिए, जो इलेक्शन आएगा तो हम लोग को गाड़ी वाला है ना, तो हम लोग का पता नहीं चलेगा कि कौन सा आगे जाएगा ऐसा। पर बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, उसके काम को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी सरकार ना पहले वो जो रोड है ना, रास्ता को वो अच्छा से बनाया, लेकिन
अभी क्या होगा हम लोग तो पता नहीं है ना। तो आप उनके काम से खुश हैं, नाराज हैं? क्या आपको लगता है और कुछ होना चाहिए था या क्या? पहले जो काम देखा हम वो तो अच्छा है, क्योंकि वो पहले जो रास्ता है ना हम लोग का गांव में हो जहां में हो, अभी तो अच्छा ही किया। अंग्रेजी का एक बहुत शानदार मुहावरा है कप ऑफ टी, यानी ये काम वैसे ही आसान है जैसे एक कप चाय पीना। ठीक इसी तरह बीजेपी ने असम में चाय बागान और चाय बागान के मजदूरों को भी बड़ा मुद्दा बनाकर असम में आसान जीत हासिल करने का प्लान बनाया है। इंडिया टीवी असम के उन चाय बागानों में पहुंचा और उन चाय बागानों के मजदूरों से बात की जो इतने असरदार हैं कि असम की 40 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला कर देंगे। आज हम आसाम में हैं और अगर आप आसाम में आए और यहाँ के चाय बागानों की बात ना करें, और वो भी खास तौर से जब मौसम चुनाव का हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो आसाम में हम आए हैं और आज जो है चाय बागान से मूड जानने की कोशिश करेंगे, जनता का कैसा मूड है यहाँ पर और खास तौर से इन चाय बागानों में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं जो अगली सरकार यहाँ बनेगी उनसे। बहरहाल देखिए, पारंपरिक स्वागत जो है यहाँ पर आसाम किया जाता है। कल्चरली बहुत रिच स्टेट है आसाम, नृत्य कला से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के, पहनावे से लेकर के, अपनी एक अलग विशेषता है आसाम की। और अभी हम पहुंच गए हैं एक चाय बागान में, तो इस तरह से पारंपरिक तरीके से जो है वो स्वागत किया जाता है। और ये जो असमिया, इसको हम कहें तो गमछा जो है ये वर्ल्ड फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहली बार कोविड के दौरान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था तो इसी गमछे में नजर आए थे। सरकार आपको चाहिए, क्या उम्मीदें हैं जो नई सरकार अगली बनेगी? तो बहुत है यार, बहुत कुछ किया है और आगे भी करेगा। हम लोग को तो बीजेपी सरकार तो जिंदाबाद। अच्छा, वही उतना ही बोलेगा, नहीं बोलेगा। अच्छा, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। संतुष्ट है बीजेपी के काम? संतुष्ट है हम लोग। तो क्या क्या किया बीजेपी ने, क्या क्या चीजें की? हम लोग के लिए रोड बनाया और बहुत सुविधा है हम लोग का, मैंने भारत स्कूल और ले स्कूल पर छात्रा छात्री को बहुत वस्तु मिल रहा है, 300 कपड़ मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, लड़का बच्चा पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए। लॉकडाउन में तो इतना कुछ किया जो बोले ही नहीं सकेगा, बहुत ही देरी किया लॉकडाउन में। हमारा तो काम शाम सब बंद हो गया और बीजेपी सरकार है, हमको चाव साव सब फ्री दिया ना, वो सब हम खा के हम जिया रहा। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान पूरा ध्यान दिया, पैसा भी मिला, चावल भी मिला, तेल उल सब्जी भी सब कुछ मिला। तो कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। चाय के बागान से भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, बागान मजदूरों के मन की बात सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि चाय वालों का दर्द एक चाय वाला ही समझ सकता है। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मैं विश्वास दिलाता हूं कि टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। असम के चाय बागान में ज्यादातर असम के आदिवासी समुदाय के लोग काम करते हैं। यहाँ काम करते हुए इन मजदूरों की कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक ये मजदूर चाय बागानों में खटते हैं। इनकी संख्या राज्य की कुल आबादी की 17% है और ये विधानसभा की 126 सीटों में से 42 सीटों के चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया को चाय पिलाने वाले ये चाय बागान के मजदूर जिसको वोट देंगे जीतेगा वही। दुनिया भर में चाय के उत्पादक देशों की अगर बात की जाए तो भारत का नंबर दूसरा आता है और उसमें भी आसाम के चाय बागान जो हैं और आसाम की जो चाय है वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि आसाम में मौसम इस वक्त चुनाव का है, हम भी आसाम के एक चाय बागान में आ गए हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं तो दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है ये चाय बागान है, हरियाली है। यहाँ पर हम आए हैं ताकि जान सकें कि जो चाय के इन बागानों
खानों में श्रमिक काम करते हैं उनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या उम्मीदें हैं जो सरकार यहां बनेगी चुनाव के रिजल्ट के बाद 2 मई के बाद, इन तमाम चीजों को जानने के लिए समझने के लिए यहां हम इस चाय बागान में आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो ये श्रमिक हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर ये जो लोग हैं ये दूसरे राज्यों से यहां आए हैं जो इन चाय बागानों में काम करते हैं। फिलहाल हम भी यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। कहाँ से आप हैं? छपरीगंज। अच्छा अच्छा, ये बताइए चुनाव है आपको पता है 27 मार्च को? हाँ। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सरकार से उम्मीद कर रही हैं? वोट तो दीबो। हाँ हाँ, वोट देबो। वोट देंगी? हम्म। अभी जो सरकार है उससे खुश है? हाँ, खुश है। खुश है? अच्छा, क्या क्या किया सरकार ने जिससे खुश है आप? देता है सब कुछ, चावल देता है, तेल देता है। अच्छा, चावल दिया है, तेल दिया है। हाँ। अच्छा, तो लॉकडाउन में दिक्कत हुई कोई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।